we here to win? To win the World Cup. What as we here for? Hi guys, आप लोग कैसे हो? मैं नंतर आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल Movie Villa by Anand. Finally, 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 जिसकी चार बार पुश हो गई थी रिलीज डेट, उस फिल्म को फाइनली मैंने जाके थिएटर पे देखा. फिल्म के बारे में मैं यही कहूँगा, मैं क्या कहूँ भाई, ओहो क्या डिटेल से काम हुआ है इस मूवी की. अब फिल्म से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं थिएटर्स गया देखने के लिए. थिएटर्स में मैं बैठा हुआ था, मैंने इंटरवल के बाद में कुछ ऑर्डर किया, वहाँ पर एक आदमी आया पूरे सादे कपड़े में. उसके बाद वो आके देखता है और देता है, सर ये आपका ऑर्डर. मैंने इसे देखा भाई, मुझे एक वक्त के लगा कि अश्विन सर आके मुझसे दे रहे हैं. मैं भाई डर गया, सर आप यहाँ कैसे. फिर मैंने उनसे पूछा, भैया क्या तुम लोग होती आपको मचा कर रखे हो, मतलब ये किस टाइप का ड्रेस कोड पहने वहाँ पर. उन्होंने कहा कि ये प्रमोशन के लिए हम लोगों को दिया गया. मैंने कहा भाई उस जगह क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद. अब चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह. अरे देना यार, देना, समझा कर बात को. जिस ऑर्डर को तुम ट्रे में लेके आए हो उसे बैट में ले आते भाई, मतलब कि इसकी प्रमोशन तो नेक्स्ट लेवल भी चलती. हाँ बाकी बात करते हैं इस मूवी की, तो मूवी की भाई क्या डायरेक्शन, मूवी में जो डिटेल्स है मैं क्या कहूँ. इस मूवी की स्टोरी सभी को पता है भाई, और जो हम लोग इस पल को जिए हैं, मतलब हमारे दादा बाप ने जो हमें सुनाया था मूवी की ग्लोरियस मोमेंट जो उस समय थे 83 की, उसे हमने हमारे बाप दादा ने सुनाया था. उसके बाद हमने जब जाके उस मूवी को देखी भाई, मतलब सच्ची ना इतनी तगड़ी मेहनत की और इतनी अच्छी एक्टिंग और इतनी ऑथेंटिक लगती है हर जगह कि मतलब भाई आपके घर में घुस बम्स क्या सब बम्स सब जागेंगे आपके मन में, देशभक्ति सब चीज़ आने वाली. क्योंकि इस मूवी को इस जगह में बताया गया और ये मूवी थी जो एक्चुअल है उसी को दिखाया गया कि उस समय में 83 में हमारी जो इंडियन टीम थी उसको नहीं माना जाता था, वही छोटे मोटी टीमों से जीती करती थी. उसके बाद 35 साल बाद पहली बार वर्ल्ड कप बनी थी, और आप लोग सभी को पता है कि उस समय के बाद ही हमारी स्पोर्ट्स की इतना ग्लोरी इतनी ज़्यादा उसको अचीवमेंट मिली है. उसके बाद आप आज की डेट पे देखते हैं जो विराट कोहली हैं, अभी की जो स्ट्रक्चर इतनी मजबूत हुई है वो उसी कारण है, क्योंकि उस समय में जो लेजेंडरी हम लोग को मिले हुए थे उससे हम लोग को जो लेवल सेट हुआ था वो अब जाके हमको दिख रहा है वो पायदान. और बाकी उस समय की बात करें और अभी से, मैं डिटेल्स की इसीलिए बात कर रहा था कि उस समय में 83 की जो लेवल थी और अभी 2011 में दोनों में जो डिफरेंस है वो काफ़ी दिखती है, स्क्रीन में पता चल जाता है. और सबसे अच्छी मैं बात ये भी कहूँगा, फिल्म में जब जब भी सीन चल रहे हैं वहाँ पर बीच बीच में जो पुराने फुटेज हैं उससे सामने बाय टू बाय कंप्यूटर टाइप से रखे जाते हैं स्क्रीन पे, जो काफ़ी बेहतरीन लगते हैं. और ऐसे कोई जगह नहीं जहां पर रणवीर सिंह एक बार फ्लिक करते रहते हैं जो बॉल लगती है, उसके बाद जस्ट बगल में कपिल देव सर की आती है फोटो और दोनों को इमेजिन, दोनों को हम लोग देखते हैं हाव भाव, मतलब कि अब मतलब समझ ही नहीं आती हम लोग क्या देख रहे हैं, सेम टू सेम, मतलब नज़र ही नहीं आती. आप लोग अगर बात ना माने आप लोग मूवी जाके देखिए एक बार, उसको आप लोगों को पता चलेगा मूवी में कहीं भी आप लोगों को रणवीर सिंह दिखेंगे ही नहीं. मतलब फिल्म में इतनी अच्छी एक्टिंग की है, कहीं भी रणवीर सिंह पूरे मूवी पे नज़र नहीं आते हैं, हर जगह कपिल देव सर आप देखेंगे फर्स्ट टाइम में और आप लोग को लगेगा कि हाँ वही आ रहे हैं, वही रेंग रहे हैं, वही ड्रेसिंग रूम से निकल रहे हैं, सब चीज़ वही लगेंगे. हाँ बात करूँ उसके बाद में सभी लोग, तो जैसे मैंने भी अभी बात की रणवीर सिंह की बात करूँ, उसके बाद में जस्ट उसके बाद में जीवा सर, उनने क्या एक्टिंग पकड़ी भाई, उन्हें नहीं सभी लोग उसी की बात करें, उनके भी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है सभी एक्टर के हैं, मगर ना वो भी जो जीवा उसमें बने, उनकी जो एक्टिंग जो उनकी एक्सेंट उन्होंने पकड़ी है, उसके बाद से जो उनकी आंख का लिपकाना बेहतरीन लग रही है मूवी पे. अब बात करूं अगर इसके बाद में परफॉर्मेंस की, तो सभी एक्टर से काफ़ी अच्छा किया. और सबसे अच्छी मैं बात करूं इस मूवी की कास्टिंग, कास्टिंग सबसे बेहतरीन है. कास्ट में एक बंदे को जो लिया गया है, उन्होंने कास्ट में जो एक बंदे को लिया गया वो सही जगह दिखती है वो परफॉर्मेंस. अभी बात करूं मैं डायरेक्शन की, तो कबीर खान ने क्या डायरेक्ट किया है, ट्यूबलाइट जो इतनी बड़ी वर्ल्ड डिजास्टर मूवी थी, उसके बाद जो न्यूज़ निकल के आई थी बैंक क्रप्ट के बाद में, उसके बाद में जो फिल्म मैंने देखी है भाई, मैं कहता हूँ ना सैल्यूट है उनको, क्या मूवी क्या डायरेक्शन क्या आई थी बैंक क्रप्ट के बाद में, उसके बाद में जो फिल्म मैंने देखी है भाई, मैं कहता हूँ ना सैल्यूट है उनको, क्या मूवी क्या डायरेक्शन क्या स्क्रीन प्ले. मुझे फिल्म से एक ही निगेटिव लगती है इस मूवी की, जहाँ जहाँ पर जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक कहीं कहीं पर ओवर लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सॉन्ग को पीछे चलाने का मकसद उन लोगों का यही था कि घूस बम्स आए हम इमोशन के साथ और कनेक्ट हों, मगर कहीं कहीं पर वो ओवर लगता था. कई कई जगह BGM स्कोर इतनी ज़्यादा रहती थी कि कोई कोई अगर एक्सेंट कहीं कहीं पर बोलते थे वो हमें सुनाई नहीं देती थी. कॉमेंट्रिटी ये है हमारे बमन ईरानी जी ने, उनके भी कभी कभी BGM में इतना ज़्यादा कहीं कहीं पर हो जाता था कि वो थोड़ी सी दबी दबी लगती थी, यही मुझे इसकी नेगेटिव लगती है. और बात करूँ इस मूवी की, तो आप लोग को जरूर जाना चाहिए, मतलब इस मूवी के बारे में मैं क्या कहूँ. उस पल को हम लोग सिर्फ सुना करते थे, उसके बाद में जब मैंने कहा इस मूवी को देखी भाई, मतलब कि ना रोंगटे खड़े हो गए. फिल्म आप लोग जरूर जाइए इस मूवी को देखिए, सपोर्ट कीजिए इंडियन सिनेमा को, स्पोर्ट तो सबको सपोर्ट कर ही रही है. बाकी कैसा लगा मेरा रिव्यू मुझे बताइएगा जरूर, मेरे चैनल पर बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों. बाय बाय.